अच्छा आज वेस्ट पाइप के बारे में बात करेंगे। वेस्ट पाइप जो है वो कौन सी जगह पे प्रोवाइड किया जाता है, कैसा प्रोवाइड किया जाता है, इन अ राफ्ट फाउंडेशन, जो आपके पास राफ्ट फाउंडेशन होती है उसमें आपने वेस्ट पाइप और सेंट्री के भी बीच में पाइप्स जा रहे होते हैं। सेंट्री के अभी हमने इंस्टॉल नहीं किए, वेस्ट पाइप इंस्टॉल हैं। सो आपने देखना है, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने वो कैसे इंस्टॉल करते होते हैं और उसमें क्या हिसाब किताब होता है, कितने कहाँ किस जगह पे रखते होते हैं। आज बेसिकली उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। सो सबसे पहले देख सकते हो ये आपके पास अभी इस साइड पे हम इंस्टॉल करवा रहे हैं, इस साइड पे भी इंस्टॉल करवाएं, इस साइड पे देखो। अब ये जो है आपके पास एक प्रॉपर एक वेस्ट पाइप जा रहा है। वेस्ट पाइप कौन सा है, ये वाला, ये आपके पास ये देख सकते हो, ये आपके पास जो टॉयलेट का वाटर है वो जाता है, मतलब स्लग वाटर जो है वो नहीं, जो आपके पास टॉयलेट का जो ह्यूमन एक्सक्रीटे का जो वाटर होता है वो उसमें जाता है, वो हमारे पास वेस्ट वाटर है। स्लग वाटर जो है वो आपके पास डिफरेंट पाइप्स हैं, उसका छोटा पाइप होता है, इसका थोड़ा बड़ा पाइप है। सो ये आपके पास जब भी आप साइड्स पे इंस्टॉल करवाओगे तो आपने इस एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसको आपने हमेशा नीचे जो बार है, राफ्ट के जो नीचे बार है उससे ऊपर रखना है और राफ्ट के मिड में रखना है। अब यहाँ से मैं अगर आपको दिखाऊं, सो ये आपके पास किधर है, ये आपके पास ऊपर जो मैश है और नीचे मैश है उसके दरमियान में ये प्रोवाइड है और इसकी आपने स्लोप प्रोवाइड की हुई है। ये आपके पास वेस्ट वाटर टैंक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आपके पास वेस्ट वाटर टैंक है, यहाँ पे सारा वेस्ट वाटर आएगा। ये देखो यहाँ से कनेक्शन इसके अंदर प्रोवाइड कर दिए। सो ये वेस्ट वाटर, अब इसकी क्या एक प्रॉपर एक स्लोप प्रोवाइड की जाती है, ये हमें अकॉर्डिंग टू ड्राइंग प्लान होता है कि आपने कितनी स्लोप प्रोवाइड करनी है। सो आपने उस हिसाब से स्लोप प्रोवाइड करनी होती है जो आपके पास ड्राइंग प्लान में गिवन होता है। सो वो हमें मेंशन होता है कि आपने इस तरीके से स्लोप प्रोवाइड करनी है। सो इस तरीके से आपके पास वेस्ट वाटर आ गया। अगर आपको मैं दूसरे पाइप दिखाऊं जो स्लग वाटर होंगे और जो दूसरे, सो इस साइड पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आपके पास स्लग वाटर है, ये स्लग वाटर पाइप्स हैं। अब ये जो हैं ये टोटल आपके पास लेके जाएंगे जो आपके पास वाटर होगा। और इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होगी, इसकी इंस्टॉलेशन आपके पास इन द बिटवीन ऑफ द रीइंफोर्समेंट होगी, जो आपके पास कॉलम मैश है नीचे, डबल मैश है, डबल मैश के मिड में आपके पास इसकी इंस्टॉलेशन आएगी। अभी आप देख सकते हो, और इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप इसकी इंस्टॉलेशन करवा रहे हो तो आपने लाजमी तौर पे इसकी ये कैप्स होती हैं, कैप्स प्रोवाइड करनी है। कैप्स प्रोवाइड करने का आपके पास रीज़न क्या होता है कि जब आपके पास कंक्रीटिंग हो रही होती है तो उससे आपके पास नीचे कंक्रीट इसके अंदर ना चली जाए। और ये आपके पास ट्रैब आ गई है, ये आपके पास ट्रैब है, ये सिमिलरली। सो इसका क्या, ये आपके पास फॉल गैसेस जो हैं वो बैक साइड पे ना आए, इस वजह से ये ट्रैप्स प्रोवाइड की जाती हैं। सो इस तरीके से इंस्टॉलेशन होती है जो आपके पास वेस्ट वाटर स्लग वाटर पाइप्स से जा रहे होते हैं। सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। कोई भी मसला हो, इस वीडियो से रिलेटेड कुछ समझ ना आ रही हो, नीचे कमेंट करो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो स्टे ट्यून, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।